अच्छा जी सो so गैस आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं रेशोज 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 बेसिकली क्या होते हैं रेशोज हमें एक आइडिया देते हैं बिजनेस के हवाले से अगर हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो जाहिर है हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे जाहिर है हम लोग एस बनाएंगे तो हमारा प्रॉफिट अच्छा था या अच्छा नहीं था हमारी एसओ एफ पी हमारी सही फाइनेंशियल पोजिशन बताती नहीं बताती इसके लिए फिर हम क्या करते हैं रेशोज यूज करते हैं लाइक like, मैं एग्जाम्पल देता हूँ फॉर सपोज एक बिजनेस है उसकी सेल्स भी है लाख ठीक है और उसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स थी कॉस्ट ऑफ सेल्स थी सिक्स थाउजेंड प्रॉफिट कमाया होगा जो उसने प्रॉफिट अर्न किया होगा वो कितना होगा वो होगा फोर्टी थाउजेंड ठीक है ये उसका प्रॉफिट है सेकंड ईयर में दूसरे साल में ,00, प्रॉफिट बना हम कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस कर दें तो वो कितना आया ठीक है तो पहले साल में एक लाख दूसरे साल में इसकी सेल्स दो लाख कॉस्ट ऑफ सेल्स साठ हजार सेकेंड ईयर में एक लाख चालीस हजार पहले साल में उसका प्रॉफिट कितना है चालीस हजार दूसरे साल में उसका प्रॉफिट आया साठ हजार मेरा आप लोगों से सवाल है क्या इस बिजनेस ने अच्छा परफॉर्म किया ये पहले साल का डेटा है ईयर वन का डेटा है और ये ईयर टू का डेटा है मेरा आप लोगों से सवाल है क्या इस बिजनेस ने अच्छा परफॉर्म किया जी गाइस चैट में बताएं व्हाट डू यू थिंक अयान कह रहा है नो no. बाकी लोग बताएं मिसम कह रहा है यस yes.

कि हमारा पहले साल में प्रॉफिट हुआ है, और हमारा हुआ है क्या इस ने अच्छा या इसकी परफॉर्मेंस में कमी आई है ये? ये तो बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर इसका प्रॉफिटी थाउजेंड से हो गया। तो इसका मतलब बिजनेस ने अच्छा परफॉर्म किया लेकिन एक बच्चे ने कहा सर इसकी सेल्स एक लाख से दो लाख हो गई मतलब सेल्स डबल हो गई तो प्रॉफिट भी क्या होना चाहिए था आपको डबल होना चाहिए था सिंस प्रॉफिट इज नॉट डबल इस बिजनेस ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो सर इसमें बहुत सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है कोई ऐसा तरीका है जिसमें हम इजीली बता सकें कि बिजनेस ने अच्छा परफॉर्म किया नहीं किया तो उसके लिए हम यूज करते हैं रेशोज तो रेशोज में हमारे पास सबसे जो पहला रेशो आता है उसको हम प्यार से कहते हैं मार्जिन उसको हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट उसको हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ठीक है अच्छा जी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में क्या बताता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में यह बताता है कि जो भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है जो भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है वो हमारी सेल्स का कितना परसेंट बनता है जो भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है वो हमारी सेल्स का कितना परसेंट बनता है ग्रॉस मार्जिन में क्या बताता है कि जो भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है वो हमारी सेल्स का वो हमारे रेवेन्यू का कितना परसेंट बनता है इसीलिए मैं इसको मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड करते हैं तो फोर सपोज अगर मुझे ईयर वन में फाइंड करना हो ईयर वन में मुझे फाइंड करना हो कि ईयर वन में मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया था ईयर वन में मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आया था फोर्टी थाउजेंड मैंने लिखा फोर्टी थाउजेंड ईयर वन में मेरी सेल्स भी थी कितनी सर एक लाख हुई थी मैंने लिख दी एक लाख और मल्टीप्लाई किया हंड्रेड से तो ईयर वन में जो मेरा मार्जिन आएगा वो कितना आएगा फोर्टी परसेंट आएगा मार्जिन हमें क्या बताता है ये मार्जिन हमें यह बताता है कि हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो हमारी सेल्स का देते हैं हमारी ईयर ए टू में सेल्स कितनी हुई थी दो लाख भी थी और मल्टीप्लाई कर देते हैं हंड्रेड से मुझे बता सकते हैं क्या आंसर आएगा सर इसका आंसर आ जाएगा थर्टी तो देखें रेशियो से क्या फायदा हुआ जब आपने इसको परसेंटेज में चेक किया जब आपने इसको परसेंटेज में चेक किया तो पहले फोर्टी था वन लेख हमारी सेल्स थी तो हमारा आंसर आ गया फोर्टी परसेंट इसका मतलब हमने जो भी सेल्स की थी उसका फोर्टी परसेंट हमने अर्न किया लेकिन नेक्स्ट ईयर क्या हुआ नेक्स्ट ईयर हमने जब ग्रॉस प्रोफिटी थाउजेंड लिखा और डिवाइड किया हमने दो लाख से तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना बना थर्टी परसेंट बना तो अगर हम रेशो के हिसाब से देखें तो आप देख सकते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस क्या हुई है बुरी हुई है हमारी परफॉर्मेंस वर्स हुई है यहां तक मेरी बात क्लियर है कि ग्रॉस मार्जिन क्या क्या होता है और ग्रॉस मार्जिन कैसे कैलकुलेट करते हैं इस पे आगे बात करेंगे लेकिन मुझे बताए यहां तक मेरी बातें क्लियर है थोड़ा नेट की वजह से हो सकता है मे भी आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो लेकिन मुझे बताए यहां तक मेरी बातें क्लियर है चैट में बताएं बेटा ओके okay. अब एक और रेशो है जो हम सीख लेते हैं फिर आते हैं सवालों की तरफ वो है हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप या उसको खाली मार्क उसको खाली मार्कअप मार्कअप कहते कहते हैं भी हैं भी और ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप भी कहते हैं ठीक है मार्कअप भी कहते हैं इसका फॉर्मूला लिख ले इसका फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट दोनों एक ही चीजें हैं मार्जिन और ग्रॉस प्रॉफिट और मार्कअप एक ही चीजें हैं लेकिन फर्क ये है कि जब हम मार्कअप फाइंड करते हैं तो मार्कअप को डिवाइड करते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल से जब हम मार्कअप फाइंड करते हैं तो उसको डिवाइड करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल से किससे बेटा कॉस्ट ऑफ सेल्स से बस बताने का तरीका अलग होता है मार्जिन में हम ये कहते हैं कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हमारी सेल्स का कितना परसेंट बनता है और मार्कअप में हम लोग ये कहते हैं कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हमारी कॉस्ट कितना परसेंट बनता है तो फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने फॉर्मूले के अंदर जाके क्या करना है आपने ग्रॉस प्रॉफिट जाके लिखना है पहले साल ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ हुआ था था सर सर डिवाइडेड बाय अब डिवाइड डिवाइड सेल्स सेल्स ही नहीं नहीं करना अब नहीं करना अब अब आपने डिवाइड किससे करना है आप इस सवाल में जाए ये हमारी सेल्स है और ये हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स है तो आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स से डिवाइड करना है वो कितना है वो सिक्सटी थाउजेंड है तो आपने इसको थाउजेंड से डिवाइड कर देना है तो जब हम सिक्सटी करेंगे और मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड करेंगे तो आपका आंसर कुछ यूं आएगा आपका आंसर आ जाएगा 66 ऐसे आएगा तो एग्जामन एक, एक बात, बोली है, एक ने एक बात बोली है कि जब भी आपके फॉर्मूले में आंसर डेसिमल में आए जब भी आपके फॉर्मूले में आंसर डेसिमल में आए तो आप उसको क्या किया करें टू डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट किया करें तो जब आप इसको आप टू अगर आपने टू डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट नहीं किया तो आपके मार्क्स चले जाएंगे आपका एक मार्क चला जाएगा तो जब हम इसको टू डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट करेंगे तो आप सबने सीखा होगा ये सिक्स 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 क्या हो जाएगा ये हो जाएगा सिक्स सेवन परसेंट हो जाएगा तो मार्जिन एंड मार्कअप सेम चीज है बस फर्क ये होता है कि मार्कअप में हम कॉस्ट से डिवाइड करते हैं मार्जिन में हम सेल से डिवाइड करते हैं सर एक और एग्जाम्पल करवाए अब आता हूं मैं सेकेंड ईयर पे आता हूँ ये हमारा है दूसरा साल एक मिनट कीजिएगा ये हमारा है दूसरा साल ठीक है

वो था वन लेख फोर्टी थाउजेंड और मल्टीप्लाई कर देते हैं हंड्रेड से मुझे बता सकते हैं क्या आंसर आ जाएगा बी क्विक गाइस जल्दी से बताएं क्या आंसर आ जाएगा सिक्सट थाउजेंड हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था डिवाइड किया हमने वन लेक से वन लेक हमारी कॉस्ट थी और मल्टीप्लाई किया हंड्रेड से टू डेसिमल प्लेस में मुझे आंसर बताइएगा सर ये आ गया 42 .86, 42 .86. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फोर्टी टू पॉइंट एट सिक्स तो आप देख लें रेशियो से हमें क्या फायदा हुआ पहले हमें हमें मार्कअप मार्कअप हुआ था अब अब हमें कितना हो रहा है uh, यानी हम कम कमा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा फायदा कम हो रहा है हमारी एफिशिएंसी कम हो रही है यहां तक मेरी बातें क्लियर है एक बार इन दोनों फॉर्मूले को देख मार्जिन का फॉर्मूला क्या है और मार्कअप फॉर्मूला क्या है ताकि मैं आगे चलू असल चीज की तरफ अच्छा जी

कौन सा वाला किस टाइम यूज होगा बेटा अगर सवाल में लिखा हुआ है मार्जिन फाइंड करो तो हम ये वाला यूज करते हैं क्वेश्चन साइलेंट हो क्वेश्चन साइलेंट हो और लिखा हो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज क्वेश्चन साइलेंट हो तो भी हम ये वाला यूज करते हैं तो अगर सवाल में खाली लिखा हो मार्जिन मालूम करो ग्रॉस मार्जिन मालूम करो या लिखा हो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करो या लिखा हो ग्रॉस प्रॉफिट

अब एक छोटी सी बात मेरे साथ याद कर लें सीख लें कि मार्जिन किस पे लगता है एक छोटी सी बात मेरे साथ याद कर लें सीख लें मार्जिन जो है वो हमेशा किस पे लगता है सर मार्जिन हमेशा लगता है आपका सेल्स पे लगता है मार्जिन हमेशा सेल्स पे लगता है ये छोटी सी बात याद कर लें क्योंकि आगे हम, हम कर रहे हैं एम कर रहे हैं और मार्कअप किस पे लगता है मार्कअप को भी देख लेते हैं सॉरी

एक की पेपर में आपको बोलेगा हमारी सेल्स थी सॉरी पेपर में आपको बोलेगा हमने सेल्स की थी एक लाख रुपए की सेल्स की थी एक लाख रुपए की और हमारा मार्जिन था ट्वेंटी परसेंट ये बताएं हमारी कॉस्ट क्या थी ये बताएं हमारी कॉस्ट क्या थी तो एक छोटा सा फॉर्मूला लिख रहा हूं वो आप याद कर लें वो फॉर्मूला है हमारे पास के सेल्स माइनस सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट ये फॉर्मूला याद कर लें ठीक है अच्छा जी अब दोबारा सुनिएगा आपको सवाल में सेल्स दी हुई है एक लाख मार्जिन दिया हुआ है ट्वेंटी परसेंट और कह रहा है कह रहा है कॉस्ट फाइंड करो और ये एक फॉर्मला में लिखा है सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट ये मैंने उससे निकाला है अगर आपने इनकम स्टेटमेंट बनाई हो तो आप सब लोग क्या करते थे सेल्स सेल्स में से कॉस्ट माइनस करते थे तो आपके पास क्या आता था? आता था था ग्रॉस प्रॉफिट ठीक अब इस सवाल को कैसे करेंगे तो इस सवाल में बेटा हमें सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है क्या फाइंड करना है ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है तो अगर मैं आपको पुरानी इक्वेशन दिखाऊं ये मार्जिन की इक्वेशन है हमें ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है ये वाली वैल्यू हमें ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है और सवाल में उसने हमें ये परसेंटेज भी दी हुई है और ये सेल्स की फिगर भी दी हुई है तो आप सबको पता है हम सेल्स को डायरेक्ट क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं हमें तो हमारे प्रॉफिट आ जाएगा तो इसीलिए मैंने ऊपर आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखवाई थी कि मार्जिन किस पे लगता है सेल्स पे लगता है अगर आपको कभी भी ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना हो सवाल में मार्जिन भी दिया हो सवाल में सेल्स भी दी हुई हो दोनों दोस्तों की तरह आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दें तो इस सवाल को कैसे करेंगे कॉस्ट को कैसे फाइंड करेंगे इसके लिए सबसे पहला काम आपने क्या करना होगा आपने ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे हम सबको पता है सेल्स को अगर मार्जिन से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स कितनी है सर सेल्स एक लाख है मैंने एक लाख लिखा मल्टीप्लाई किया मार्जिन की परसेंटेज से वो कितनी है ट्वेंटी परसेंट मुझे बता सकते हैं मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा ट्वेंटी थाउजेंड ये हो गया मेरा ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ तक आप मेरे साथ हैं अच्छा जी आगे चलते हैं आगे चलते हैं सर सवाल में तो ये नहीं पूछा सवाल में तो ये पूछा गया है कि भाई ये बताएं कि हमारा हमारी कॉस्ट कितनी थी तो हम इक्वेशन यूज करेंगे सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू जीपी सेल्स कितनी थी बेटा सेल्स एक लाख थी कॉस्ट हमें फाइंड करनी है और जीपी कितना है सवाल में जीपी सवाल में ट्वेंटी थाउजेंड दिया है आप कॉस्ट को उस तरफ लेके जाएं कॉस्ट को उस साइड पे लेके जाएं तो एक लाख में से आप बीस हज़ार क्या करेंगे माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एटी थाउजेंड इसका मतलब मेरी जो कॉस्ट थी वो अराउंड कितनी थी वो एटी थाउजेंड थी यहाँ तक मेरी बातें क्लियर है मैंने काफ़ी स्पीड से समझाया मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कोई बात नहीं है मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ देखें बेटा मेरी बात सुनना है मैंने सवाल में पूछा है सेल्स दी थी मार्जिन दी थी और मैंने कहा था कॉस्ट बताएं तो मैंने सब बच्चों को ऊपर बताया था मार्जिन किस पे लगता है बेटा सेल्स पे लगता है तो अगर सवाल में आपको मार्जिन भी दिया हो सेल्स भी दिया हो तो आप डायरेक्टली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो मैंने इन दोनों को डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया सबसे पहले मैंने जी पी फाइन किया है सबसे पहले मैंने जी पी फाइन किया है फिर मैंने ये वाला फॉमुला सामने रखा आपको सवाल में सेल्स भी दी हुई है आपको सवाल में ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया हुआ है दोनों वैल्यूज को पुट करें और इंटरचेंज करके आप कॉस्ट फाइन कर लें ठीक है मैं एक और सवाल कराता हूँ ताकि आपको दोबारा क्लियर हो जाए दोबारा क्लियर हो जाए एक और सवाल कराता हूँ हमारे पास सवाल में सेल्स दी हुई है दो लाख आप लोग भी साथ साथ कर ले बेटा कोई इशू नहीं है सवाल में हमें सेल्स दी हुई है दो लाख ठीक है और सवाल के अंदर हमें मार्जिन दिया हुआ है फोर्टी परसेंट कितना दिया हुआ है फोर्टी परसेंट और सवाल में ये पूछ रहा है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स बताओ मैं खाली कॉस्ट लिख रहा हूँ तो इस सवाल को कैसे करेंगे आप लोग खुद भी कर सकते हैं आप खुद भी कर सकते हैं आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मैं फॉर्मुला लिख देता हूं आपको सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा तो आप सबको पता है मार्जिन किस पे लगता है सेल्स पे लगता है तो आप सबसे पहले यह वाला फॉर्मुला यूज करेंगे सेल्स मल्टीप्लाई बाय मार्जिन सेल्स मल्टीप्लाई बाय मार्जिन तो आपके पास क्या आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा सबसे पहले आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और दूसरे नंबर पे कौन सा फॉर्मुला यूज़ करेंगे जब आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा ना तो आप सबने पढ़ा है सेल्स में से हम कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है जीपी आता है तो आप सेल्स में से कॉस्ट माइनस करके जीपी आएगा आप ये वाला फॉमुला यूज़ करेंगे सेल्स की वैल्यू गिविन है जीपी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो कॉस्ट भी आ जाएगी तो मुझे बताएँ क्या आंसर आएगा चैट के अंदर बताएँ स्पीड से बेटा चैट के अंदर बताएँ जी बेटा कहा बेटा सब बताएं चले बहुत आला बहुत आला बहुत आला सब बच्चों ने कहा सर हमारी सेल्स दो लाख है बहुत आला बहुत आला अन बेटा बहुत आला काफ़ी लोगों ने आंसर दिया बाकी भी रिस्पोंड करें हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको फोर्टी परसेंट से बहुत अला मीसम बहुत आला तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना ये आ जाएगा अस्सी हज़ार ग्रॉस प्रोफिट कितना आ जाएगा अस्सी हज़ार हमारे पास ग्रॉस प्रोफिट आ गया अस्सी हज़ार ठीक है हमारे पास फिर अगला स्टेप क्या है हम सेल्स की वैल्यू लिखेंगे कितनी दो लाख कॉस्ट फाइंड करनी है और जीपी कितना है सर जीपी हमारे पास अस्सी हजार है सारी वैल्यूज को आगे पीछे इंटरचेंज करेंगे तो ये हो जाएगा एक लाख बीस हजार और ये हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट तक मेरी क्लियर है क्या ये सबको समझ में आ रहा है कि ये कैसे आया देखिए ये अस्सी हजार यहाँ आके माइनस होगा अस्सी हजार को अगर मैं इस साइड पे लेकर आऊंगा दूसरी तो साइड पे ये आके क्या होगा माइनस होगा और कॉस्ट उस साइड जाके प्लस हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एक लाख बीस हजार चलिए जी आगे चलते हैं तो मैं दोबारा अपने सवाल की तरफ आ जाता हूँ मैंने आपको बताया था मार्जिन किस पे लगता है सर मार्जिन किस पे लगता है सर मार्जिन सेल्स पे लगता है मार्जिन किस पे लगता है सेल्स पे लगता है और मार्कअप किस पे लगता है कॉस्ट पे लगता है अब आते हैं मार्कअप के ऊपर आते हैं तो मेरा एक सवाल है अगर सवाल में वो आपको मार्कअप दे दे सवाल में वो आपको क्या करे मार्कअप दे दे और सवाल में आपको वो कॉस्ट भी दे दे मार्कअप भी दे दे कॉस्ट भी दे दे तो क्या हम ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं यस सर क्योंकि मार्कअप कॉस्ट पे लगता है तो मार्कअप और कॉस्ट को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दें जीपी आ जाएगा चले जी अब करते हैं आ जाए अब ऐसे ही सवाल है लेकिन मैं कॉस्ट दे रहा हूँ आपको अब सवाल में उसने कहा हुआ है कि भाई हमारी कॉस्ट जो है एक वेट करें सवाल में वो कह रहा है कि हमारे पास जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है डॉलर वन लैख फिफ्टी थाउजेंड वन लैख फिफ्टी थाउजेंड और आपको मार्कअप दिया हुआ है मार्कअप दिया हुआ है थर्टी परसेंट वो आपको कहता है ये बताएं कि हमारी सेल्स कितनी हुई थी हमारी सेल्स कितनी हुई थी तो सर इसको भी ऐसे ही करेंगे इसको भी ऐसे ही करेंगे अक्सर बेटा बहुत आला बहुत आला इसको भी ऐसे ही करेंगे लेकिन सीन ये है कि यहाँ मार्कअप दिया तो मार्कअप कॉस्ट पे लगेगा हमारे पास जीपी आएगा तो यहाँ आप लोगों ने क्या करना है कॉस्ट को मल्टीप्लाई करना है मार्कअप के साथ कॉस्ट को मल्टीप्लाई करना है मार्कअप के मार्कअप के साथ आपके पास जीपी आ जाएगा पहला स्टेपी है और दूसरा स्टेप क्या है आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए सेल्स टू सेल्स माइनस माइनस कॉस्ट कॉस्ट इज इज इक्वल इक्वल टू टू जीपी जीपी बेटा बहुत खामोश है। क्लास में बहुत सुकून है सो आप खामोश नहीं रहा करें आप बीच में बोला भी करें थैंक यू सर थैंक यू सर मुझे आपकी आवाज नहीं सुनाई थी कि आप क्योंकि मैंने माइक लगाया हुआ है बाकी लोगों ने आपकी खूबसूरत आवाज सुन ली होगी थोड़ा सा जाग गए होंगे जजाकला ले तो ले आ, सबको। आप, ये, ये आप लोग कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है सर इसको कैसे करेंगे तो देखिये बेटा कॉस्ट दी हुई है वन हम लिख लेते हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे मार्कअप से क्योंकि मार्कअप कॉस्ट पे लगता है तो आपके पास ये आ जाएगा ये आपके पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट अब यहाँ वैल्यूज पुट करें ये हो जाएगा फोर्टी फाइव थाउजेंड और कॉस्ट कितनी है बेटा कॉस्ट है हमारे पास डेढ़ लाख और हमें सेल्स फाइंड करनी है आप कॉस्ट ऑफ सेल्स को वहां ले जाएं कॉस्ट को वहां ले जाएं तो उसमें ऐड हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा वन लेख यहां तक मेरी बातें क्लियर है सर म्यूट करें इनको

वो आपको सवाल में कह देता है कि हमने सेल्स की थी चार लाख हमने सेल्स की थी चार लाख और हमारा मार्कअप था मार्कअप था ट्वेंटी फाइव परसेंट ये बताएं हमारी कॉस्ट क्या है अब इसमें एक इश्यू है पहले इशू बता दो इश्यू क्या अगर आप मार्कअप का फॉर्मूला देखें

इसने मार्कअप तो दिया हुआ है लेकिन मार्कअप के लिए कॉस्ट चाहिए होती है। चाहिए होती है है मार्कअप के लिए कॉस्ट चाहिए इसने वो नहीं उसकी जगह सेल्स दी है अब अब क्या करें सर? अब क्या करें करें सर तो सर यहां पर फिर हम जुगाड़ करते हैं क्योंकि हम सबको पता है अगर हमें जीपी फाइंड करना है तो मार्क अभी आप अभी आपके सामने सवाल किया देखें ये मार्कअप है इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई करवाया कॉस्ट से मल्टीप्लाई कराया आपको स्क्रीन भी शो हो जाएगी थोड़ा सा नेट का मसला है ये मार्कअप है इसको मैंने कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया तब जाके जी सर इस सवाल में मैं कैसे काम करूँ ये जो सवाल है क्योंकि मार्कअप तो लगता है कॉस्ट सवाल में दी अब क्या करें तो बेटा यहाँ पर हम क्या करेंगे काफी लोगों ने मुझे रिस्पॉन्ड कर दिया बहुत ज्यादा यहाँ पे हम क्या करेंगे आप लोगों को मार्कअप को मार्जिन में चेंज करना पड़ेगा अगर सवाल में वो आपको मार्कअप आप के मार्कअप दे दे और कॉस्ट नहीं दे तो सेल्स पे क्या लगता है सर मार्जिन लगता है तो फिर हम मार्कअप को कन्वर्ट करते हैं इन शॉर्ट जब इन दोनों के आपस में दोस्ती ना हो जब ये दोनों आपस में सेट नहीं हो रहे हो तो फिर जुगाड़ करते हैं फिर क्या करते हैं उर्दू में सुना होगा ना जुगाड़ करते हैं तो हम यहाँ इसके साथ क्या करेंगे जुगाड़ करेंगे इसको सुधारेंगे इंसान का बच्चा बनाएंगे तो इसके लिए आप एक चीज याद कर लेंगे कन्वर्जन कैसे करते हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है तो इसके लिए रूल है जब भी कभी मार्कअप कन्वर्ट करना हो या मार्जिन कन्वर्ट करना हो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रिक्शन में लिखेंगे किस में लिखेंगे फ्रिक्शन में लिखेंगे फ्रिक्शन मीन्स ये डेसिमल में है ना ये डेसिमल में इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आप सबको पता है जो चीज परसेंटेज में हो जब उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगी अपॉन अपॉन दूसरा काम ये हमारे पास न्यूमिरेटर है और ये हमारे पास डिनोमिनेटर है अगर हम मार्कअप से अगर हम मार्कअप से मार्जिन की तरफ जा रहे हैं अगर हम मार्कअप से मार्जिन की तरफ जा रहे हैं इसके आखिर में क्या आ रहा है पी पी स्टैंड फॉर पॉजिटिव पी स्टैंड फॉर पॉजिटिव तो जो भी हमारा न्यूमिरेटर है

तो इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं सबसे पहले आपने लिखना है फ्रिक्शन में तो मैंने फ्रिक्शन में लिखा ट्वेंटी है मार्जिन ये जो आपके आप सामने वैल्यू आई है ना ये कहलाती है हमारे पास मार्जिन अब आपने क्या करना है अब मार्जिन आ गया अब आप सेल्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसका तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सेल्स कितनी है सर सेल्स चार लाख है हम चार लाख लेंगे चार लाख को मल्टीप्लाई करेंगे ट्वेंटी फाइव अपॉन वन ट्वेंटी फाइव से तो हमारे पास जीपी आ जाएगा वो आ जाएगा एटी थाउजेंड कितना आ जाएगा एटी थाउजेंड हमारे पास जी आ गया पहला स्टेप और आप सब ने हुआ है सेल्स में से कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारे पास जी आता है सेल्स कितनी है सर सेल्स चार लाख है और कॉस्ट हमें फाइंड करनी है और जीपी कितना है सर जीपी एटी थाउजेंड है तो आगे पीछे चीजों को इंटरचेंज करेंगे तो एट दी एंड हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी तीन लाख बीस हजार तीन लाख बीस हजार ठीक है मैं आपको एक और एग्जाम्पल करता हूं मैं आपको एक और एग्जाम्पल करवाता हूं मैं आपको एक और एग्जाम्पल करवाता हूं अगर ये समझ में नहीं आई हो तो एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं चले जी एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं अगर ये समझ में नहीं आई हो हमारी सेल्स है हमारी सेल्स है फाइव लैख हमारी सेल्स है फाइव लैख और सवाल में उसने मार्कअप दिया हुआ है फिफ्टी कर लेता हूं ट्वेंटी कर देता हूं सवाल में उसने मार्कअप दिया हुआ है ट्वेंटी परसेंट कॉस्ट आई थी तीन लाख बीस हजार आई थी ठीक है अच्छा वो कहता है ये बताएं हमारी कॉस्ट क्या थी जी गाइस इसका आंसर क्या होगा हैंड बेटा माइक बंद कर दें हैंड बेटा मुझे आवाज़ नहीं आएगी आपकी कॉस्ट तीन लाख बीस आ रहे थे आप देख सकते हैं अच्छा जी जी गाइस हो सकता है डेसिमल में आंसर है राउंड ऑफ कर लीजिएगा बेटा देखें चले ट्राई तो करें एक बार डेसिमल में आंसर है राउंड ऑफ कर दीजिएगा ठीक है गाइस देखें उसने सवाल में मार्कअप दिया हुआ है और ये सेल्स है तो आप सबको बताए कि सेल्स हमेशा मार्जिन से मल्टीप्लाई होती है अगर मार्कअप दिया होगा तो उसको कॉस देनी चाहिए तो जाहिर सी बात है मैं कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा कन्वर्ट करना, करना पड़ेगा तो हम लिखेंगे ट्वेंटी अपॉन हंड्रेड ट्वेंटी अपॉन हंड्रेड उसके बाद आप सबको पता है ये मार्कअप है आखिर में पी आर पी फोर पॉजिटिव तो हम प्लस ट्वेंटी कर देंगे तो ये हो जाएगा ट्वेंटी अपॉन वन ट्वेंटी ट्वेंटी अपॉन वन ट्वेंटी ये हमारे पास क्या आ गया फ्रिक्शन में आ गया मार्जिन अब हम क्या करेंगे सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करेंगे तो हम फाइव लेख को जो भी हमारी सेल्स वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करेंगे ट्वेंटी अपॉन वन ट्वेंटी से मुझे बता सकते हैं क्या आंसर आएगा ये सर डेसिमल में आ जाएगा एट थ्री एंड थ्री हंड्रेड थर्टी थ्री ठीक है ये राउंड ऑफ करके बता रहा हूँ ये आंसर आ जाएगा ठीक है अच्छा जी अब हमें फाइंड करनी है कॉस्ट फाइंड करनी है तो सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू तो जी पी सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू तो जी पी सेल्स कितनी है सर पांच लाख है कॉस्ट हमें फाइंड करनी है और हमारे पास जीपी कितना आ रहा है एटी थ्री थ्री हंड्रेड थर्टी थ्री तो ओवरऑल जो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी ओवरऑल जो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी ये हो जाएगी फोर वन सिक्स सेवन फोर वन सिक्स सेवन सॉरी एक एक और आ जाएगा फोर वन सिक्स सिक्स सेवन यहां तक मेरी बातें क्लियर है जी गाइस यहां तक मेरी बातें क्लियर है जल्दी बताना ताकि मैं आगे चलो ना एक और सवाल कराऊँ ताकि समझ में क्लियर आ जाए तरीके से आ जाए ठीक ओके ओके चलिए अब आते हैं जरा हम एक और एग्जांपल करते हैं लास्ट एग्जांपल करते हैं सवाल में कॉस्ट दी हुई है और वो कॉस्ट कितनी है दो लाख बल्कि दो लाख नहीं देता, कुछ को छोड़ देता हूँ वो है लाख और उसमें मार्जिन दिया हुआ है ट्वेंटी फाइव परसेंट मार्जिन दिया हुआ है ट्वेंटी फाइव परसेंट और वो हमें कहता है कि भाई ये बताओ सवाल में वो ये कहता है कि ये बताओ सेल्स कितनी थी ये बताओ सेल्स कितनी थी अब इसको कैसे करेंगे अब आप सबको बताएं सर जो मार्जिन होता है वो किस पे लगता है सेल्स पे लगता है यहां क्या दिया है कॉस्ट तो छत्तीस का आंकड़ा है सर आपस में बनती नहीं इन दोनों की बेटा सेल्स दो लाख कभी हो ही नहीं सकती सेल्स हमेशा ज्यादा होगी अब्दुल्ला कॉस्ट है कॉस्ट लाख ज्यादा होगी सो so, ये मार्जिन है और ये कॉस्ट है दोनों के आपस में बनती नहीं है तो सर क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे अब यहाँ क्या करेंगे सर इसको जरा देख लेते हैं इसको जरा देख लेते हैं यहाँ हम क्या करेंगे सबसे पहले लिखेंगे ट्वेंटी फाइव अपॉन ट्वेंटी फाइव अपन हंड्रेड ये मैंने फ्रिक्शन में लिखा क्योंकि कन्वर्ट करूंगा और इसके आखिर में क्या आ रहा है एन एन फॉर जी का एन फोर अगर पी फोर पॉजिटिव है तो एन फोर क्या होगा सर नेगेटिव होगा तो हम क्या करेंगे माइनस ट्वेंटी यहाँ पे क्योंकि ये मार्जिन है ऊपर मार्कअप दिया हुआ था, था तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास सेवेंटी फाइव आ जाएगा ये हमारे पास फ्रिक्शन फॉर्म में मार्कअप आ जाएगा फ्रिक्शन फॉर्म में मार्कअप आ जाएगा अब हम क्या करेंगे सबसे पहले अपना ग्रॉस क्रॉस फाइंड करेंगे हम लोग लिखेंगे तीन लाख मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाय 75 करेंगे तो ये आ जाएगा एक लाख ये क्या आ जाएगा सर एक लाख आ जाएगा लाख हमारा क्या है एक लाख हमारा है। और हम सब ने एक पढ़ी है, तो सेल्स तो हमें फाइंड करनी है कॉस्ट को वहां ले जाए प्लस हो जाएगी तो जीपी कितना है सर एक लाख है और कॉस्ट को वहां लेकर आ जाए प्लस हो जाएगी कॉस्ट कितनी है तीन लाख है तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा सेल्स इज इक्वल टू फोर लैख सेल्स इज इक्वल टू फोर लैख सो आज का जो हमारा टॉपिक था वो ये था कि मार्कअप क्या होता है मार्जिन क्या होता है मार्कअप टू मार्जिन कैसे कन्वर्जन करते हैं और मार्जिन टू मार्कअप कैसे कन्वर्जन करते हैं आप भले स्क्रीन शॉट लेने इसकी ये जो सवाल मैंने करा है मैं इसकी वीडियो YouTube पे अपलोड कर दूंगा वहां से देख लीजिएगा ठीक है ना अच्छा जी कोई सवाल वगैरह हो तो पूछ सकते माइक ऑन कर लें